यूनिट और मेजरमेंट के रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करेंगे। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? जब हम एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड कर देते हैं, मीन एरर से, तो उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिलेटिव एरर निकाला था, तो रिलेटिव एरर को मान लिया ऐसे निकाल लेते हैं, ये हो गया 2.4, ठीक है। और मान लिया हमारा जो मीन एरर आया था वो आया 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया मीन एरर। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये बता दूं मैं यहाँ पे। तो हाँ, थोड़ी सी लाइन और छोड़ लेते हैं यहाँ पे, हमें थोड़ी जगह चाहिए, ठीक है। ठीक है, इतनी जगह हमारे लिए बहुत रहेगी। अब करते हैं, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कितना लिख लिया था, 2.4, और मीन एरर कितना आ गया था हमारा, मान लिया 4, ठीक है, 2.4, ठीक है। ये पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, 2.4 है ये। तो रिलेटिव एरर क्या होती है, जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड कर देते हैं, मीन एरर से। तो 2.4/4 तो कितना आ जाएगा, 0.6, कितना आ जाएगा, 0.6, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा कितना जाएगा, 0.6। तो इस तरह से तुम्हें क्या निकालना है एग्जाम में, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड कर दोगे, मीन एरर से, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाउ टू ऑब्टेन परसेंटेज एरर, हाउ टू ऑब्टेन परसेंटेज एरर, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को हमने किससे डिवाइड कर दिया, मीन से। तो 0.6 आ गया, कितना आ गया, 0.6, ठीक है। परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, सिर्फ रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ गया, 60% का एरर आ गया, ठीक है। नहीं तो ये क्या होता है हमारा परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला, क्लियर है। अच्छा, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो पॉज कर करके लिखते जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ दी डायमेंशन ऑफ मास और लेंथ और मास, ठीक है। अब जैसे मास है, मास में तो सिर्फ मास होता है, तो m की पावर कितनी होगी, 1, लेंथ होगी नहीं, और टाइम क्या होगा, 0। तो ऐसे पावर में लिख के इसे डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, तो मास तो होता नहीं है, लेंथ होती है, टाइम भी नहीं होता, ये डायमेंशन होगी लेंथ की। और टाइम की डायमेंशन क्या होगी, उसमें मास भी नहीं होता, लेंथ भी नहीं होती, और टाइम होता है। तो ये क्या होगी, किसकी डायमेंशन, टाइम की। तो अगर मास है तो मास की पावर लगा दो 1, लेंथ है तो लेंथ की पावर लगा दो 1, टाइम है तो टाइम की पावर लगा दो 1। तो इसे क्या बोलते हैं, डायमेंशन, ठीक है। तो पहले कैसे करना है, क्वेश्चन कॉपी कर लेना, फिर ये कॉपी करते जाना, ठीक है ना, जैसे भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे, पर मेन बात है समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लंबाई। तो लंबाई की भी मैंने डायमेंशन क्या लिखी थी, m0 l1 t0, और टाइम, टाइम की कितनी होती है, m0 l0 t1, ठीक है। तो हमारी डायमेंशन कितनी आएगी, m0 l1 t-1, क्लियर है। ये हमारी डायमेंशन किसकी आ जाएगी, स्पीड की। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर कोई पूछे कि स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, क्या बोलोगे, m0 l1 t-1, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई, लंबाई मतलब m0 l1 t0, और टाइम मतलब कितना हो गया, m0 l0 t1। तो इसकी भी डायमेंशन क्या आ जाएगी, देखो ये तो 0 0 रहेगा, m0 l1 रहेगा, ये +1 ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो कितनी जाएगी, t-1। तो हमें समझ आ गया कि स्पीड की और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, सेम, m1 l1 t-1, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की अभी हमने निकाली, m0 l1 t-1 t-1 है ये, और t, तो ये तो m0 रहेगा, l1 रहेगा, अब यहाँ 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो -1 -1 -2 हो गया। तो हमारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, m0 l1 t-2, ठीक है भाई। वेलोसिटी अपॉन टाइम करा, वेलोसिटी की m0 l1 t-1 है, और ये टाइम है, तो ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, क्या होता है, एम ए। मास की डायमेंशन अभी हमने पढ़ ली है, m1 l0 t0, और एक्सेलरेशन की निकाली अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में, m0 l1 t-2। तो ये तो m1 आ गया, ये भी पावर ऐड हो जाएंगी ना, 1 और 0 कितना हो गया, 1 + 1 0 हो गया, 1 + 0 0 सॉरी 1 + 0 1। अब ये l0 l1, तो l1 हो गया, 0 और -2, तो t-2, समझ आ गया ना। अभी पावर ऐड कर दी, देखो 1 और 0 1 हो गया, 0 और ये, ठीक है ना। एक बार और बता देता हूँ कि भाई पहले मैंने उसकी लिखी मास की, m1 l0 t0, और एक्सेलरेशन की कितनी थी, m0 l1 t-2। तो बस पावर ऐड कर दो, ये 1 और ये 0 कितना हो गया, m1, ये 0 और ये 1 1, और ये कितना हो गया, t-2। तो ये हमारी किसकी होगी, फोर्स की डायमेंशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछना है।